तो जानेंगे इस वीडियो में प्रोमिथाजिन 25 mg टेबलेट के बारे में, यानी एवोमाइन टेबलेट के बारे में कि भाई क्या है, किस तरह से काम करती है, कहां कहां पर यूज की जाती है, साइड इफेक्ट क्या करती है, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रोमिथाजिन एक एंटी हिस्टामिक टेबलेट है। एंटी हिस्टामिक टेबलेट में बहुत सारी आती है, जैसे कि लियोसेट्रिजिन, मोंटलुकास्ट लियोसेट्रिजिन, और भी दोस्तों बहुत सारी आती है। ये एक एंटी एलर्जिक टेबलेट होती है। जब बॉडी एलर्जी प्रोड्यूस करती है, कई बार दोस्तों इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ते समय कुछ रिएक्शन कर देता है, कुछ रिएक्शन के कारण कुछ एलर्जी बॉडी के अंदर हो जाती है, जहां पर फिर वो साइड इफेक्ट करने लगती है, बॉडी के अंदर कुछ साइड इफेक्ट होने लगते हैं, जैसे कि रैशेज हो जाना, इचिंग होना, खाज खुजली की समस्या, नाक से पानी आना, लाल आँखें होना, ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, जो हिस्टामिन एक केमिकल मैसेंजर के कारण होता है, बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर प्रोमिथाजिन टेबलेट काम करती है। इसकी बात करें तो आपको 5 रुपये की पर टेबलेट, यानी 50 रुपये की 10 टेबलेट लगभग हर दवा की दुकान पर मिल जाती है। पर एवोमिन टेबलेट का यूज वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर सर्जरी से पहले वोमिटिंग वगैरह होती है। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी है, उससे पहले वोमिटिंग अगर वो करता है तो वहाँ पर दी जाएगी। सर्जरी के बाद जो वोमिटिंग होती है वहाँ पर भी दी जाती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो यूज है वो मोशन सिकनेस में किया जाता है। सफ़र के दौरान उल्टी जब होती है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। लगभग ऑल इंडिया में हर केमिस्ट स्टोर पर मिल जाती है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो हिस्टामिन होता है ये कई कारणों का रीजन बनता है। अगर जो वोमिटिंग होती है ये भी दोस्तों यही करवाता है, तो ये टेबलेट उस में केमिकल को बनने से रोकती है, उसको कम करती है, उसके लेवल में कमी लाती है, जिससे कि ये वोमिटिंग वगैरह रुक जाती है। तो मोशन सिकनेस में वोमिटिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये डायरेक्ट असर करती है। अब बात करें कि डोज कितनी ले, तो देखिए अगर बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र है तो आप एक दिन पहले इस टेबलेट का यूज कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, अगर आप ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है तो आप 1 घंटे पहले इस टेबलेट का यूज कीजिएगा। सबसे बढ़िया होती है 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले। दिन में आप 3-4 बार ले सकते हैं, कोई ज़्यादा इसका नुकसान नहीं होता है। बच्चा है कोई 5-10 साल का, उसको आप 1 टेबलेट दे सकते हैं मोशन सिकनेस की। अगर बात करें भाई क्या साइड इफेक्ट इसके होते हैं, तो थोड़े बहुत दोस्तों साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मुँह सूखना, ड्राई माउथ हो सकता है, या लेने के बाद कभी कभार देखा गया है कि धुंधला सा दिखाई देने लगता है, तो हो सकता है ऐसा सभी में नहीं होता, या फिर पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं या गेस्टिंग बनने लगती है, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। सर दर्द भी हो सकता है, सावधानी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, उसको तो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में ये डॉक्टर की सलाह के बिना यूज नहीं ली जाती। अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा दोस्तों आँख से संबंधित एक रोग होता है जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं यूज होगी। अस्थमेटिक एलर्जी है, अस्थमा है, अस्थमे की दवाई चल रही है, वहाँ पर सावधानी जरूरी है, इसको लेने से बचिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा। एल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, तो ये इसकी सावधानी है जो पहले पता होनी चाहिए। दोस्तों कंप्लीट रिव्यू था, वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन सी वीडियो से आपको वीडियो देना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कुछ भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं हो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।